सामने आई है इंडिया में, उसने कन्फेस किया कि वर्ल्ड कप देख ली है, पाकिस्तानी बोलर्स करते रहते हैं। अब जो आने वाली सीरीज होगी, जैसे वर्ल्ड 2020 में उन्होंने इतनी अच्छी बॉलिंग की, फिर विटोरी ने सस्पिशन उठाए, डाउट्स उठाए, तब तुम समझते हो खर्चा है कि पाकिस्तानी बॉलर्स पर मजीद बॉल टेम्परिंग के इल्जाम लगेंगे या उनके ऊपर शक करेंगे? मेरे ख्याल से पास में भी इस तरह के काफ़ी इल्जाम लगे, लेकिन कभी प्रूव नहीं हुआ। ओवल टेस्ट में आप देखिए, वहाँ भी इस तरह के इल्जाम लगाए थे, लेकिन किसी अंपायर ने तो जो है कोई एविडेंस, कोई कैमरा रिपोर्ट, किसी को पेश नहीं किया था। मेरे ख्याल से हमेशा पाकिस्तान के बॉलर के अगेंस्ट होते हैं, और जहाँ तक रिवर्स विंग और बॉल टेम्परिंग है तो मेरे ख्याल से हर मुल्क के बॉलर्स करते हैं। और ये है कि आजकल जितने एडवर्टाइजमेंट बोर्ड्स आए हो जो बाउंड्री पे लगे होते हैं और विकेट जिस तरह के ड्राइव होते हैं, तो उससे भी बॉल रफ हो जाता है, ऐसे नहीं कि बॉलर ही बनाते हैं वो। लेकिन अगर आपका एक टॉप बॉलर कन्फेस करता कि यार मैंने भी किए और मेरी टीम के और मेंबर्स भी करते रहे, बुरा नाम नहीं पड़ रहा पाकिस्तान को जो शुएब अख्तर ने इल्जाम अपने ही लोगों पर लगा दिए कि ये बॉल टेम्परिंग होते रहती है? अब देखिए, जिस तरह मैंने पहले भी कहा, काफ़ी बॉलर अभी भी कर रहे हैं। अभी अगेंस्ट लास्ट ईयर जो अगेंस्ट इंग्लैंड जो सीरीज था हमारा, वहाँ पे मैंने खुद देखा एंडरसन ने वो करता रहा, और अगेंस्ट ऑस्ट्रेलिया उन्होंने जो सीरीज एशेज जीते उसमें भी सबको देखा, आपने उसको ब्रॉड को देखा, उसने जूते से बॉल को स्क्रैच किया था, ये तो हर बॉलर ही करता है। और मेरे ख्याल से शेब भाई ने भी किया होगा, ऑफकोर्स अगर उसने कहा तो किया होगा, लेकिन ये भी देखिए बॉल टेम्परिंग काफ़ी तरीक़ों से होता है। एक तो इलीगल होता है जो आप नाखून से बनाते हैं या किसी और चीज़ से, ये इलीगल है। आजकल आप इस तरह के जितने भी प्लेयर्स हैं वन टिप थ्रो करते हैं बाउंड्री से, जो स्क्वायर पे भी जो जितने ड्राइव होते हैं तो उससे भी बॉल स्क्रैच हो सकता है। मेरा ख्याल से ये तो लीगल हो गया। तो आप समझते कि बाकायदा जिस तरह शुएब ने भी कहा आई सी सी लीगलाइज कर दे, और भी बहुत सारे बॉलर्स ने कहा कि इसको लीगलाइज ही कर दें बॉल टेम्परिंग को, आप समझते कि ये मुतालबा दम पकड़ गया, जोर पकड़ गया और लीगलाइज कर देनी चाहिए? नहीं, मेरे ख्याल से लीगलाइज़ तो नहीं करनी चाहिए। ये तो देखिए क्रिकेट का अपना फ़न है, और जितना एडवांस हो रहा है क्रिकेट का, वो जो पहले जो जिस तरह का मज़ा आता था वो काफ़ी जो नाप हट रहा है। जिस तरह दो दो बॉल लग गए वन डेज में, तो मेरे ख्याल से क्रिकेट जो जिस तरह का अभी है ऐसे ही छोड़ दिया जाए तो अच्छा है। और ये भी एक आर्ट है कि कौन सा बॉलर रिवर्स स्विंग कर सकेगा नहीं, लेकिन मेरे ख्याल से लीगलाइज नहीं करना चाहिए इस चीज़ को। अच्छा, शुएब अख्तर ने सचिन के हवाले से भी कही, आपने भी सचिन को काफ़ी मतलब बॉल कराई है, कभी आपको लगा कि सचिन फास्ट बॉलर को खेलते हुए या आप और शुएब किसी मैच में साथ हो और आपको लगा कि शुएब से डर रहे थे सचिन से? मेरे सामने तो कभी लाइक इस तरह नहीं हुआ, लेकिन मैंने काफ़ी एक आध मैच में नोट किया है। और ऑफकोर्स सम टाइम विकेट ऐसा होता है कि बैट्समैन भी डर जाता है, और कोई बैट्समैन भी ऐसा नहीं है जो फास्ट बॉलर से नहीं डरता। और जिस तरह का मेरे ख्याल से शुएब भाई जिस तरह के बॉल करते थे, आप मेरे ख्याल से ब्रायन लारा से कोई बड़ा बैट्समैन नहीं है वर्ल्ड में। उसने खुद कहा था कि बहुत डेंजरस बॉलर है, और जो उसको बॉल लगी थी हेलमेट पर, तो हर बैट्समैन को डर रहता है, चाहे वो शुएब अख्तर हो या जो भी बॉलर है, हमेशा डर रहती है उसको। अच्छा, श्रीलंका की सीरीज आ रही है, कितने आप होपफुल है कि आप उसमें जगह बनाएंगे, और किस तरह देख रहे हैं श्रीलंका को एज एन अपोनेंट, किस तरह रेट करते हैं आप? नहीं, काफ़ी ये कि अपोनेंट टफ टीम है और टॉप थ्री में आती है, टॉप की टीमों में है, और इंशाल्लाह ये कि अगर मौका मिला तो परफॉर्म करूँगा। अपनी ट्रेनिंग और फिटनेस पे काम कर रहा हूँ, और इससे पहले ये जो मैचेस है ये काफ़ी हेल्पफुल है। और इंशाल्लाह जो अभी पहला फर्स्ट क्लास मैच शुरू हो रहा है तो वो भी आई थिंक कि वो खेलूँगा अच्छे से, तो सीरीज से पहले वो भी अच्छा मौका है कि फोर डे मैच खेलूँ। विल, आप काफ़ी देर से लेंथी आपका रेस्ट हो गया है, और काफ़ी फॉर्म भी आपकी इतनी नहीं चल रही अच्छी, तो क्या देखते हो अपने बारे में, आप क्या कम बैक आप कैसे? देखिए फिटनेस वाला तो शुक्र अलहमदिल्ला मेरी ठीक है, लेकिन ये कि मैच प्रैक्टिस की वो थोड़ी सी लेक ऑफ प्रैक्टिस है, लेकिन जिस तरह के ये दो मैच तीन मैचेज हो गए, अभी आगे फोर डे खेलूँगा, और फिर रेगुलरली अगर मैं टीम के साथ नेट करूँगा तो इंशाल्लाह अपनी फॉर्म को बहुत जल्दी अपनी फॉर्म में आ जाऊँगा। और ये कि जितना मैं लंबी बॉलिंग करूँगा उतना ही मुझे फ़ायदा होगा। थैंक यू।